हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि वायरस क्या होते हैं, फंगी क्या होती है और बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे कि तुम्हारे प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। अब वो रहते कहाँ पे हैं? ठीक है, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रोऑर्गेनिज्म देखो, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि यू बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, कुछ एल्गी हो गई, कुछ प्रोटोजोआ हो गए जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, फंगी और एल्गी तो क्या ना, मल्टी सेलुलर होते ही है। अब ये बहुत सारे एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये आइस में भी रह सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, ये डिजर्ट में भी रह सकते हैं और ये मार्शी लैंड में भी रह सकते हैं। यानी कि तुम रेगिस्तान में रख लो, बर्फ में रख लो, या फिर हॉट स्प्रिंग मतलब वहां पे रख लो, कहीं पे भी रख लो, सारी जगह ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन बस इनका नेचर अलग होगा और ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। आओ देखते हैं कौन कौन से रोल है। जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो तुम दही बनाते हो, ठीक है, ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, ये सब बनाने में ना कौन मदद करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। जैसे कि बहुत पुराने समय से जो अल्कोहल है वो ऐसे ही बन रहा है, कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और तुम्हारा जो क्या नाम है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि तुमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मैन्योर, मैन्योर को ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं, वही तो लेके आते हैं उसको, मैन्योर बनाते हैं। जो तुम घर का सामान फेंक देते हो, अरे ऑर्गेनिक सामान, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक व्लास्टिक जो है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सामान तुम फेंकते हो, सारा का सारा मैन्योर बनता है ना। मैन्योर किसकी वजह से बनता था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनता था। ठीक है, और ये सॉयल फर्टिलिटी पे बहुत यूज आते हैं। ठीक है, देखा तो तुमने खेत में बोए तो खेत में काफी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं क्रॉप प्लांट को, है ना। और ये नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड अब जो क्या नाम है, तुम देखते हो ब्रेड और क्या नाम है कर्ड, ये किसकी वजह से होता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। मेनली किसकी वजह से होता है कर्ड? किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टो बैसिलस। ये क्या करता है कि तुम्हारे जो दूध है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। अब ये चीज बनाने में भी काम आता है, चीज तो जानते हो ना, चीज बनाने में भी काम आता है। और किसके बनाने में काम आता है? पिकल्स, अचार बनाने में, और बहुत सारे फूड आइटम जिनको बनाने में ये काम आता है। जैसे कि तुम्हारे पास एक रावा हो गया, इडली हो गई, भटूरा हो गया, ठीक है, इसमें क्या पड़ता है? दही पड़ती है। और दही बनती किससे है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? स्पेशली बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया इन ईट्स ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड सोटा, डोसा, बैटर। अब जो तुमने राइस, इडली देखी है, डोसा देखा है, ये किसकी वजह से बन रहा है? बैक्टीरिया और ईस्ट की वजह से। ठीक है, आओ देखते हैं। अब देखो एक एक्टिविटी 2.3 है, इसमें क्या किया, तुमने एक आटा ले लिया, एक प्लेट, एक कटोरी में आटा ले लिया, उसमें क्या डाल दिया तुमने? चीनी डाल दिया और उसे गर्म पानी के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। अब उसमें थोड़ा सा तुमने क्या डाल दिया? ईस्ट पाउडर। ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना। अब क्या करेगा कि ये जो ईस्ट है ना, इसमें कुछ ऐसा कर देगा जिससे वजह से इसमें से CO2 प्रोडक्शन होने लगेगी। ठीक है, क्या कर देगा? CO2 प्रोडक्शन होने लगेगी। ठीक है, ईस्ट रिस्पायर करेगा तो CO2 निकलेगा ना, कोई भी चीज रिस्पायर करती है तो क्या छोड़ती है? ईस्ट छोड़ती है ना, तो रिस्पायर करेगा तो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वहां पे एक छोटा छोटा छेद बन जाएगा, जिससे वजह से क्या हो जाएगा, जो मैदा रहता है ना वो फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, रेज्ड मैदा, जैसे कि यहाँ तुम देख पा रहे हो। ठीक है, और बबल ऑफ गैस फिल्ड डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, डो क्या करेगा? बबल से फिल हो जाएगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है जो ये ईस्ट बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करती है। बेकिंग जो करती है ना इंडस्ट्री, वो ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज करती है, जिससे तुम्हें ब्रेड मिलता है, पेस्ट्रीज मिलती है, केक मिलता है। ठीक है, अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज यानी कि बड़े इंडस्ट्रियल यूज कैसे होते हैं। ठीक है, अब कमर्शियल यूज में जैसे तुम्हारे आ गया प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल,
अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है किसकी वजह से होता है, हमने पहले उसमें पहले पढ़ा ना, किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एजेस से होता चला आ रहा है, एजेस से होता चला जा रहा है। क्या होता है अल्कोहल का, वाइन का, एसिटिक एसिड, विनेगर जो तुम्हारे पास सिरका मिलता है, ये भी किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट किसके बारे, ईस्ट किसके लिए जरूरी है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के, ठीक है। पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंटिंग ग्रेन लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट एक्सेट्रा। अब जो ईस्ट का प्रोडक्शन होता है ना, वो नेचुरल सिगरेट से भी हो सकता है, ग्रेन से भी हो सकता है, बार्ले जैसे हो गया तुम्हारा, वीट हो गया, राइस हो गया, और क्रस्ड फ्रूट, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 है, इसमें देखो क्या दिया है कि 500 ml बीकर में तुम 3/4 पानी डाल लो, ठीक है, और उसमें 2-3 चम्मच क्या तुम डाल लो, शुगर डाल लो, एंड ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4-5 और 4-5 घंटे के लिए रख दो, ठीक है। अब तुम इसे सूंघोगे ना, तुम अजीब सी स्मेल आएगी, क्या आएगी, अजीब सी स्मेल आएगी, कभी करके देखना एक, मतलब ले लो बीकर ले लो, ठीक है, उसमें तुम 3/4 पानी भर दो, ठीक है, और उसमें क्या हो, चीनी डाल दो, चीनी डालने के बाद तुम क्या डाल दो उसमें, ईस्ट पाउडर डाल दो, ठीक है, और उसको 4-5 घंटे के लिए रख दो, एक अजीब सी स्मेल आएगी। ये अजीब सी स्मेल किसकी होती है, फर्मेंटेशन की होती है, जब फर्मेंटेशन होता है ना तब ये स्मेल निकलती है, दिस स्मेल इज ऑफ अल्कोहल एज इस शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल बाई ईस्ट, ठीक है। अल्कोहल का ये है जो स्मेल है, किसकी वजह से है, कि जो कि तुम्हारा जो शुगर था उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, किसने, ईस्ट ने, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन की डिफिनेशन है, फिर से देखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, जब भी शुगर कन्वर्ट होकर अल्कोहल में बन जाता है तो उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब डिस्कवरी किसने की थी फर्मेंटेशन की, लुईस पाश्चर ने की थी, किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी, किसने टाइम पे की थी, 1857 टाइम पे की थी, इस टाइम पे 1857 में इन्होंने क्या की थी, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। लेकिन एक बात, तो अगर ये फर्मेंटेशन की डिस्कवरी अब की है तो हमारे लोग तो पहले से मदरा पी रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। मेडिसिनल यूज सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब मेडिसिनल यूज बहुत सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जैसे कि तुम्हें बहुत सारे एंटीबायोटिक जाते हो दुकान, तुम डॉक्टर के पास में, ठीक है, तो जब तुम्हें बुखार होता है तो वो पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। जैसे कि तुम्हारा पेनिसिलिन हो गया, अभी बहुत लोगों को क्या होता है कि आंख आ जाती है, आंख लाल लाल हो जाती है, ठीक है, बरसात की वजह से, उसमें भी ये पेनिसिलिन का बहुत सारा यूज होता है। पेनिसिलिन लगाने से वो जो आंख में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसका सोर्स है, ठीक है। ये तो या तो ये मेडिसिन क्या करेंगी, किल कर देंगी, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको रोक देंगी, जो तुम्हें डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी लाइफ के अगेंस्ट, यानी कि लाइफ के अगेंस्ट, एंटीबायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट, लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया फंगी, अब बैक्टीरिया फंगी से तो बहुत सारी एंटीबायोटिक बन रही है, कौन कौन सी, जैसे जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी, इरेथ्रोमाइसिन होगी, ये सम ऑफ द क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थी, सडनली इन्हें पता चला कि एक क्या नाम है, स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड वहां पे उग गया, ठीक है, क्या उग गया, एक हरा सा मोल्ड वहां पे उग गया। अब वो हरा सा मोल्ड क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया को वो उगने ही नहीं दे रहा, यानी कि फैलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तब जाके इनको पता चला कि वो जो था वो पेनिसिलिन, जो मोल्ड था वो पेनिसिलिन था, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कब की थी, 1929 में की थी, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहते हैं। कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अब एंटीबायोटिक को बहुत सारे लाइफ स्टॉक में भी यूज किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा पोलिट्री फार्म हो गया, वहां पे डाल देते हैं ताकि मुर्गियों को ना बीमारी ना हो, ठीक है, और तुम्हारी कुछ एनिमल्स होते हैं उनको पाल रखा है तो वहां पे डाल दो, तो यानी कि एनिमल को भी बीमारी ना हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर ने एडवाइस किया हो तुम्हें एंटीबायोटिक लेने के लिए, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तुम्हें एंटीबायोटिक लेने के लिए, तो एंटीबायोटिक तुम्हें
नहीं लेना है, चाहे तुम्हें क्या नाम है, कितनी भी जरूरत हो, ठीक है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो नहीं लेना, क्योंकि इसका रॉन्ग डोज तुम्हारे हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं वैक्सीन के बारे में। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन का यूज़ क्या होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वाई आर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स गिवन वैक्सीन। अब जो छोटे बच्चे होते हैं इनको वैक्सीन दिया क्यों जाता है, ठीक है। अब व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स ऑफ इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। अब क्या होता है कि जैसे डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जब घुसते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है ना ऑटोमेटिकली क्या करता है, एंटीबायोटिक बनाने लगता है, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाने लगता है। अब ये क्यों बनाने लगता है, तो जो वैक्सीनेशन होते हैं ना इसी के लिए ही होते हैं। पहले क्या होता है कि हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बॉडी में डालते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी देखोगे बच्चों को सुइया लग रही है, वो सुइया इसीलिए लग रही है क्योंकि वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में डाल रहे हैं। जब डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे की बॉडी में जाएगा तो बच्चे का बॉडी है वो पहचान जाएगा, वो एक मेमोरी बना लेगा कि ये हाँ ये बीमारी आ रही है तुम्हारी बॉडी में, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक बनाना है। तो पहले क्या हुआ, उसमें एंटीबायोटिक जान गया है कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक बनाना है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो उसको बीमारी वो वाली लगती है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चले जाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि तुरंत क्या करता है, एंटीबायोटिक बनाना शुरू करता है जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके, समझ आया। फिर से बता देता है, ठीक है, जो बच्चों को क्या नाम है इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर बहुत वीक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पहचान जाती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को हार्मफुल है, तो उसके लिए वो एंटीबायोटिक बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब क्या नाम है वो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में घुसेगा तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी से एंटीबायोटिक बनाने लगेगा, जल्दी जल्दी से एंटीबायोटिक बनाने लगे तो यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी से खत्म कर देगा, ठीक है। यही था तुम्हारा वैक्सीन का प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत सारे वैक्सीन है जैसे ट्यूबर क्लॉसिस के लिए, कॉलरा के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ये सारे वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है। अब बहुत बड़ी महामारी चली थी 1798 के दौरान पे स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, उसका वैक्सीन निकाला था एडवर्ड जेनर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने क्या निकाला था, वैक्सीन निकाला था किसमें, 1798 में। तुम बचपन में देखा कि तुमको बहुत सारी सुइयां लगी होंगी, एक यहाँ पे तो दाग भी पड़ गया होगा सुई का, वो वैक्सीनेशन का ही है, ठीक है। अब तुम्हारा पल्स पोलियो प्रोग्राम होता था, ठीक है, 5 साल तक बच्चों को पोलियो पिलाया जाता, वो भी क्या था, वो भी वैक्सीन ही थी, ठीक है। वो जो पोलियो रहता था उसमें क्या रहता, पोलियो के ड्रॉप में एक्चुअली वैक्सीन रहता था, ठीक है। अब वैक्सीन क्या करता था, अब ये तो आपको बताया ही मैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया था वैक्सीन लगा लगा के, ठीक है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑफ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम सेवरल डिजीज। अभी तो वैक्सीन बहुत लार्ज स्केल में बन गया, जैसे तुम्हारा कोरोना का वैक्सीन आया था ना, कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड आया था, कोवैक्सीन आया था, ये सब क्या होते थे, वैक्सीन होते थे किसके लिए, तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्ट कर सके उस वायरस या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये तो आपने सबने लगवाया कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।